छेड़खानी, शारीरिक संबंध, अफेयर, वैश्या या हुकर, अनवेड मदर यानी बिन ब्याही माँ जैसे 43 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल अब अदालतों में नहीं किया जाएगा। और इस बात को कहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। उनके मुताबिक इन शब्दों से रूढ़िवादी सोच झलकती है जिसे हमें खत्म करना है। इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हैंडबुक जारी किया गया जिसका नाम कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप है। इस हैंडबुक में महिलाओं को लेकर न्यायिक आदेशों और फैसलों में रूढ़िवादी सोच को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें महिलाओं के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए भले ही उनका काम कुछ भी हो। इस हैंडबुक में 43 से ज्यादा शब्दों को बदला गया है, जैसे छेड़खानी की जगह पर अब सड़क पर यौन उत्पीड़न, शारीरिक संबंध की जगह पर यौन संबंध, अफेयर की जगह पर शादी के इतर रिश्ता, वैश्या या हुकर की जगह पर सेक्स वर्कर। उसी प्रकार अब अनवेड मदर यानी बिन ब्याही माँ के कॉन्सेप्ट को भी खत्म करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक माँ को सिर्फ माँ ही कहना ठीक होगा। बिन ब्याही माँ और शादीशुदा माँ से महिलाओं की भावना को ठेस पहुँचती है। इन सब के अलावा आपने हमेशा से सुना होगा कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि हमारी माँ क्या करती है तो हम कहते हैं वह एक हाउसवाइफ है, लेकिन अब इसे भी कहना मना हो गया है। इस हैंडबुक के मुताबिक हाउसवाइफ को अब होममेकर में बदल दिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।